She galvanized me, steady like steel. Back on my feet, living for the thrill again. Loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need. Never too far away. Loving for another day. सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जो हमारी पिछली वीडियो थी उस पर काफी आपने सपोर्ट किया। मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो थी अभी तक की जिसपे मेरे मतलब 1000 व्यूज चले है भाई वीडियो पे। पहली वीडियो थी ऐसी, अभी तक मैंने जितनी वीडियो डाली थी उसमें मैक्सिमम 700, 600, 800 ऐसे व्यूज़ आ रहे थे। मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसपे 1000 व्यूज़ चले गए, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो चैनल को ताकि हम लोग और वीडियोज बनाते रहें। आज की वीडियो के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ वो है एक मतलब जगह के बारे में। मैं रिसेंटली मसूरी घूम के आया था और मसूरी में मैं भी काफ़ी बार गया हूँ, 4-5 बार तक गया मैं भी, लेकिन ज़्यादातर माल रोड या इधर उधर कैंपटी फॉल वगैरह घूम के ही हम लोग आ जाते थे। तो इस टाइम मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया है, एक जगह है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और सबसे अच्छी बात है वहाँ आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। ये वो जगह है जहाँ पे आपको पार्किंग वगैरह के चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे और बिल्कुल फ्री एंट्री है। और प्लस सबसे इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ से पूरे मसूरी का 360 व्यू बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएगा अगर आप यहाँ विजिट करोगे। थोड़ा सा हाइट है, आपको सांस चढ़ भी सकती है आपको, तो आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने शूट करके रखा था लेकिन मुझे डालने का टाइम ही नहीं मिल रहा था भाई, सुबह ऑफिस, अभी देख लो रात का टाइम है। तो मैं अभी एडिटिंग करने उसको बैठा था तो मैंने कहा शुरुआत कहाँ से करें ब्लॉग की, तो मैंने सोचा चलो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं फिर आपको मैं इस जगह के बारे में बताता हूँ। तो ये है मसूरी में जिसका नाम है दलाई हिल्स, थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा। चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये मसूरी में आपका ये कंपनी गार्डन वाला रास्ता है और ये है बुद्धा टेंपल वाला रास्ता। अगर आप कंपनी गार्डन से वापसी आओगे तो किसी को भी पूछोगे कि बुद्धा टेंपल वाला रास्ता कौन सा है तो वो आपको ये वाला रास्ता बताएगा। गाड़ी आपकी यहाँ से इजीली नीचे चली जाएगी आराम से और पार्किंग का भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आगे पार्किंग भी है और फ्री पार्किंग है। सिर्फ 200 से 300 मीटर नीचे जाना है और वहाँ पर आपकी गाड़ी इजीली लग जाएगी। टेम्पल का एम्बियंस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको देखने को और फैमिली के लिए बहुत बढ़िया जगह है अगर आप यहाँ विजिट करते हो तो। गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ से आपका रास्ता स्टार्ट हो जाता है टेम्पल का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। रास्ते में देखो कितने बढ़िया फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं। एंट्रेंस पे ये गेट है, इसके आगे गाड़ी जाएगी नहीं और गाड़ी यहीं पीछे ही पार्क हो जाएगी और यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी स्नैक्स वगैरह आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है मेन टेंपल। ये है मेन टेंपल, इसके बाद पहले ये देखेंगे हम, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां हम जाएंगे वहां से 360 व्यू दिखेगा पूरा, वो अलग जगह है और ये मेन टेंपल है।
टेम्पल के बाद अपने को वहाँ पे ऊपर जाना है और ऊपर से बहुत बढ़िया व्यू मिलेगा, जिसका ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ट्रैक करते हुए अपने को ऊपर जाना है। और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाता है, वो है नीचे टेंपल और ये है पार्किंग। वहाँ टेंपल से आने के बाद यहाँ से इसका ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा जब हम ऊपर जाएंगे। तब रास्ते में आपको ऐसे गुम्मत देखने को मिल जाएंगे, पिक्चर प्लेसेस मिल जाएंगे और मैगी वगैरह पॉइंट भी है यहाँ पे। दोस्तों चढ़ते चढ़ते थोड़ा थक गए, सोचा बीच में रुक भी जाए क्योंकि सीढ़ियों की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, सीढ़ियों की डिग्री थोड़ी सी कम है, इसकी वजह से सांस ज़्यादा चढ़ रहा है। सीढ़ियाँ वैसे ज़्यादा नहीं है सीढ़ियाँ है कम, लेकिन जिस डिग्री पे ये बनी हुई है उसके हिसाब से सांस ज़्यादा चढ़ सकता है आपको भी। दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ के तो इतनी ऊपर आए, लेकिन ऊपर आने का पूरा वर्थ है। यहाँ से अगर आप देखो तो आपको 360 का पूरे मसूरी का व्यू मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सीढ़ियों की वजह से आप ऐसे मत सोचो कि हम लोग थक जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, लेकिन ऊपर आना वर्थ है। आप पीछे अगर देखो तो मेरे पीछे पूरे मसूरी का 360 व्यू है। यहाँ नीचे ट्रैक भी है, हेलीपैड भी है और पूरा व्यू बिल्कुल साफ। और अगर ट्रैक करना है और अगर आपको वहाँ जाना है कुछ फ़ोटो वगैरह कराने के लिए, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया पिक्चर पॉइंट है। बहुत ही बढ़िया 360 व्यू है, बादल एकदम ज़बरदस्त, बिल्कुल वाइट जैसे बारिश आने वाली हो, हवा बहुत ही तेज़ चल रही है।
दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और ये वीडियो दोस्तों से भी शेयर करना ताकि उनको भी ये एरिया, ये जगह सबको पता लगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।